हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। पोकेमॉन डार्क वर्शिप के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन इनको करना है पहले तो जिम बैटल, फिर लेकिन उससे पहले अपन को वापस चलना होगा, वापस से पीछे की ओर अपन को वापस एक बार जाके आना होगा। वहाँ पे थोड़ा सा कोई काम है, वो बस अपन को पूरा कंप्लीट करना होगा। और एक मिनट, यहाँ पे भी एक मेगा स्टोन पड़ा हुआ है गाइस। तो चलो अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे अपने पिछले एपिसोड में इन सबको डिफीट तो कर ही दिया था, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले काम करना बाकी है गाइस। पहले तो फटाफट से जाता हूँ मैं। कहाँ गया, यहीं पे होगा। हाँ, ये रहा। अपन को यहाँ पे रिपेल कर लेते हैं। पहले रिपेल यूज़ कर लिए हमने, तो अब अपन आराम से केव्स के अंदर जा सकते हैं और घूम फिर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पोकेमोन आते गए इस यहाँ पे, इसलिए। तो यहाँ पे से निकलते हैं पहले तो, और अब बस मुझे एक ही पोकेमोन की ज़रूरत है, वाटर टाइप पोकेमोन की। फिर अपना पूरा मतलब कि 3 स्टार्टर्स अपने कथक कम मतलब कि हो जाएंगे पूरे, कि वाटर टाइप, फायर टाइप और ग्रास टाइप पोकेमोन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब यहाँ से अपन को इधर की साइड चलना होगा और इन दीदी से बात कर लेते हैं। हेलो सर। ओके, ये बैटल कर रही है। तो यहाँ पे मैंने बैटल ख़त्म कर ली है और अब आगे चलते हैं। ओ ये मुझे पता था यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ से अपन बेरी उठा लेते हैं। और बेरी उठाने के बाद अपन यहाँ से जाते हैं और अपनी ये पोके बॉल भी ले लेते हैं, जिसके अंदर पता नहीं क्या ये मिला है। बाद में चेकआउट करेंगे कुछ है क्या यहाँ पे। ओके, रिपेल ख़त्म हो गई थी, कोई बात नहीं, हमने वापस यूज़ कर ली है। यहाँ पे एक आइटम पड़ा है, ऊपर जाने का कोई रास्ता। ओके ठीक है, तो इन दद्दू जी को पहले हटाते हैं। ठीक है, देखते क्या होता है यहाँ पे फटाफट से। हाँ तो बताओ भाई साहब, क्यों हमारे दद्दू जी को परेशान कर रहे हो तुम। अभी तुम्हारे बॉस को मैं पीट के आए हैं और फिर भी तुम्हें सतुना नहीं पड़ रहा। चलो तो ठीक है, अब बैटल स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ, इसका फर्स्ट पोकेमोन ही ग्रास टाइप है, तो मैं फायर टाइप ही चुनूंगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओ मतलब डायर की हे बड़ा आया। यहाँ पे फर्स्ट पोकेमोन डेड, सेकंड पोकेमोन ऑन द वे। और इसको ये कौन सा पोकेमोन है। अब थोड़ा सा अपन भी मज़े ले लेते हैं, लीव सीड इस्तेमाल करते हैं। ओके ठीक है, अब अपन भी फ्लाइंग वर्सेस फ्लाइंग करेंगे। येलो ये क्या कर दिया, विंड अटैक करते हैं, ख़त्म। अब बस हमारी स्टार रिव्यू के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। और ये लास्ट, और ये गया काम से। और कोई है क्या। चलो तो फिर फटाफट से इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है ठीक है, ओके सर। तो सर बताओ, मैंने आपको बचा दिया, आप हमें कुछ अच्छा सा आइटम दे दो अब। तो भाई साहब हमारे दद्दू जी हैप्पी हो चुके हैं एकदम बढ़िया तरीके से। तो इसने मुझे एक पोकेमोन, कोई पोकेमोन बैंड दिया है कोई। एक मिनट, कुछ और बात, कुछ और थोड़ी कर कहोगे क्या सर। एक मिनट, कहाँ गया। अपन को एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अपना पोकेमोन की बहुत बुरी हालत हो गई है। कहाँ पे है एंटीडोट, इधर ही पड़ा रहता है क्या, किधर की साइड है। ये ना मैक्स बैंड, ठीक है कोई बात नहीं। टॉक्सिक नहीं है गाइस मेरे पास एंटीडोट, अपन को ख़रीदना पड़ेगा। तो यहाँ से फटाफट से बाहर निकलते हैं, यहाँ से ऐसे चलते हैं फटाफट से। चलो ना वापस उस सिटी में आते हैं। अरे यार ज़्यादा चल, अपन जितना चलेंगे ना उतना अपने पोकेमोन को टॉक्सिक मतलब कि पॉइजन लगे, पॉइजन से वो फैंट होता रहेगा गाइस। ये है इसमें थोड़ी सी दिक्कत, इधर से चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चल चलते हैं। तो हमने लगभग लगभग पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। ओके, फिर से रिपेल ख़त्म हो गई, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम आते हैं, तो मैं अपनी उसी सिटी में आके अपने पोकेमोन को हील करवा के मिलता हूँ गाइस आपसे। तो गाइस फाइनली अपना बेल्डम हो रहा है इवोल्व। अब वो कैसे हो रहा है उसके बारे में मैं भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर मेरा बेल्डम हो चुका है एकदम इवोल्व। वो मैं इसलिए कि मैं सोच रहा था कि पहले अपन जिम का रास्ता ढूंढ लेते हैं, फिर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जब मैं स्टार्ट कर रहा था, रास्ता ढूंढ रहा था, तभी ये इवोल्व हो गया है। जिम लीडर के साथ आज बैटल है अपना,
और मैं फटाफट से पहले तो अपने पोकेमोन को हील करवा लेता हूँ। तो मैं जिम के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, जिम कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजनिंग है इसके अंदर कि अपन बाहर किस साइड से जाएँ, है ना। तो मतलब कि जिम लीडर के पास किस टाइप से पहुँचे, तो बस ये थोड़ी सी दिक्कत है इसके अंदर। इसीलिए मैं पहले ऑफलाइन गेम खेल रहा था कि पहले रास्ता ढूंढ लेते और ये मामूली से ट्रेनर है इनको डिफीट कर देते और जिम लीडर के साथ अपन बैटल करेंगे आराम से। तो इसीलिए मैंने रास्ता ढूंढा था और कोई दिक्कत है नहीं। तो फटाफट से मैं रास्ता ढूंढ के और अपने पोकेमोन हील करवा के आपसे वापस मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, तो चलो जल्दी से फटाफट से रास्ते पे चलते हैं अपन। कैसे जिम यानी पहले चलो जिम पे चलते हैं अपन पहले जिम के पास। तो गाइस जिम का मैंने रास्ता बहुत ही मस्त तरीके से ढूंढ लिया है और मैं भी अब आपको बताने वाला हूँ कि जिम के पास जो जिम का लीडर है उसके पास कैसे पहुंचा जाए। वो उसका रास्ता मैंने ढूंढ लिया ऐसे बोल रहा हूँ मैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से अपन जिम बैटल कर लेते हैं। और वैसे तो आपको पता ही है कि मैंने सभी को मतलब लगभग सभी को मैंने डिफीट कर रखा है यहाँ पे। अरे चल इधर चलना है, ओके। फिर यहाँ से अपन को नीचे चलना है, फिर नीचे जाने के बाद अपन को ओ शिट ऊपर नहीं, नीचे जाने के बाद साइड में जाना है, फिर इधर जाने के बाद अपन को जाना है इधर की साइड। एक सेकंड, मैंने शायद गलत कर दिया। ओके सही है, मैंने गलत ही किया था। अपन को इधर पहले ही आप इधर जाना है, फिर अपन को इस साइड जाना है, फिर इस साइड जाने के बाद अपन को नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद अपन को इस साइड जाना है, फिर इस साइड जाने के बाद अपन को ऊपर की ओर जाना है। तो फाइनली अपन को मिल चुका है जिम लीडर। तो अब चलो इससे अपन बैटल करते हैं। शायद इसका फ्लाइंग टाइप और डार्क टाइप पोकेमोन हो सकते हैं, तो दिक्कत हो सकती है। तो अपन पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे इसके साथ। तो चलो तो फटाफट से पहले अपन जिम बैटल कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है गाइस। ओके हम जिम लीडर से ओके यहाँ पे फाइटिंग शुरू हो गई है। तो यहाँ पे लड़की कितनी खूबसूरत लड़की है, आय है नहीं हम नहीं करेंगे अभी कुछ भी। यहाँ पे इसने यार थोड़ी दिक्कत हो गई है अपने पास क्योंकि गीगा ड्रेन यूज कर लेते हैं। ओह शिट ये पता नहीं क्या बार बार अटैक किया जा रही है। ओके कोई बात नहीं, फ्लाइंग टाइप पोकेमोन अपन यूज़ करते हैं। एक मिनट, एक बार फिर से ख़त्म। अरे यार शिट गाइस काफ़ी पावरफुल पोकेमोन है यार ये। क्या है अपने पास, मेटल क्लॉक कन्फ्यूजन, ये हुई ना बात एक बार और। ओके कोई बात नहीं, अब अपने पास सिर्फ एक ही पोकेमोन बचा है और अब इसको अपन को करना पड़ेगा मेगा इवॉल्व, मतलब कि जायगंटा मैक्स से यूज़ करना पड़ेगा अपन को। आया बड़ा मेरे से लड़ने वाला। अरे यार ये तो बहुत ही मतलब कि पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर है गाइस, अब क्या करें, कोई तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अपन को। शायद अपने पोकेमोन को ट्रेन करना पड़ेगा थोड़ा सा या फिर स्ट्रेटजी बेस खेलना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से अपन चलते हैं। पहले मैं आपको पोकेमोन उस लीडर के पास ही मिलता हूँ, आपको जिम लीडर के पास है, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं पोकेमोन जिम लीडर के पास आ चुका हूँ और बैटल के लिए अपन रेडी है एकदम बढ़िया वाला। तो चलो तो फटाफट से अपन पोकेमोन उतारते हैं अपने। बड़ा आया मेरे पास फ्लेम चार्ज है यार, लेकिन ये बहुत दिक्कत करेगा अपन। देखो ये वाला अटैक मुझे बहुत दिक्कत करेगा, ये देखो इसके पास पता क्या अटैक है। चलो इसको तो हरा दिया अपन ने कैसे जैसे करके और अब अपन को मेटाग्रोस उतारना पड़ेगा। पता ही क्यों, क्योंकि पहले तो अपन को अपने पोकेमोन खाएं अपने एंटीडोट वगैरह नीचे की साइड ही होनी चाहिए, ठीक है। पहले अपने मेटाग्रोस को एंटीडोट देते हैं, एक ही झटके में गया ये तो भाई साहब। और फिर मुझे थोड़ा सा इस पर लीव सीड, अरे यार ये तो पता नहीं क्या इलेक्ट्रिक टाइप अटैक भी ऐसे मार रहा है कि जैसे तो पता नहीं कौन सा अटैक कर रहा है ये। ये देखो वन हिट जा रहे थे सारे अटैक, वन हिट जा रहेगा इस, पता नहीं कैसा पोकेमोन इसके पास ये। अब अपन को मेगा वो जायगंटा मैक्स करने की कोई ज़रूरत भी नहीं क्योंकि अपन हार चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है गाइस मुझे वो पोकेमोन, अपने पोकेमोन को छोटी सी ट्रेनिंग करवाना ही पड़ेगा गाइस मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो अपन कहाँ पे जाएं पहले, तो अपन इधर बाद में आएंगे जिम पे ट्रेनिंग करने के लिए इधर की साइड।
ये लो। तो गाइस लास्ट टाइम एक बार फिर से मैं पोकेमोन को, एक सेकंड मेरे पोकेमोन को चेक कर लेता हूँ। ओके पोकेमोन पूरे हिले। एक बार मैं लास्ट टाइम फिर से इससे पोकेमोन बैटल करने आया हूँ। ज़रा देखते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है, मतलब कि फिर मैं अगली बार अपने पोकेमोन को पूरा यानी ताकतवर मतलब कि लेवल अप करके फिर ही लड़ूंगा। ये लास्ट बैटल है, देखते हैं देखा अपन लड़ पाते हैं कि नहीं। तो ठीक है फटाफट से लड़ते हैं। आजा बेटा ये ले, पहले टॉक्सिक करने की कोशिश मैं ये यूज़ कर दूँ। ये हुई ना बात, क्या बात है गाइस, ये मुझे नया अटैक मिला है जो सबसे बेहतरीन अटैक आया है, फ्लाइंग टाइप पोकेमोन। अच्छा ये तू भी खा, तो फिर बड़ा आया मेरे से लड़ने वाला। तो गाइस यस, अब मैं पोकेमोन चेंज करने वाला हूँ, अब अपन आराम से जीत सकते हैं। वो कैसे मैं बताता हूँ, पहले मेरे पास एक चीज़ है ये रही ना, मैं इसको फुल रिस्टोर कर लेता हूँ। और ये इसने इसको टपकाया, मैं इसको फिर से यूज़ करा और फिर से मैं इसके ऊपर ओके कर ले जायगंटा मैक्स। ओ शिट, जायगंटा मैक्स कर लिया था यार गाइस इसने, कोई बात नहीं। अपन एक काम करते हैं, अपन इसको रिवाइव कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने अब लास्ट यही है कि अपन इससे के द्वारा मतलब इसके थ्रू ही अपन जीत सकते हैं। पहले रिवाइव देख लेते हैं फटाफट से। ये रहा खाए अपना पोकेमोन, ये रहा ओके कर ले तू, कर ले। अब आएगा मेरे को मज़ा, क्योंकि गाइस अभी मैं बहुत बेहतरीन सी ट्रिक लगाने वाला हूँ। अभी देखना आप गाइस, आराम से देखो, आराम से बैठ के देखो, मज़े से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन को कहाँ गया मेरा फुल रीस्टोर, ये रहा। और ये फुल रीस्टोर मैंने इसको किया, अब तू मेरे पूरी यूज़ कर दिया, अब तेरा गया काम से। हे अब बारी तो मेरी है ना, ये करा यूज़ और ये हो गया मेरा ढाई घंटा मैक्स। और ओके कोई बात नहीं, ये ले आया मज़ा, 33 लेवल का हो गया, कोई बात नहीं। एक बार और ये गया काम से, एक बार ये एक बात हुई। और फाइनली गाइस जो मैंने फिर बाद में स्ट्रेटजी जो बनी थी ना गाइस, तो वो सबसे बेहतरीन थे। अपने टैपिक ने अकेले ने ही पूरी टीम को डिफीट कर दिया, और ये काफ़ी अच्छी बात है फटाफट से। तो यहाँ पे मुझे ड्रैगन ब्लेग बैच मिला है, इस बैच का नाम यही है। और यहाँ पे मुझे HM भी मिला है, कौन सा HM है आखिर ये। और यहाँ पे जी मूव मिला है अपन को, शायद डार्क टाइप मूव, डार्क टाइप है शायद वो, चलो देखेंगे एक बार। जी मूव अपन यूज़ कर सकते हैं गाइस आराम से, देखो मैं करना सिखाना पड़ेगा आपको, मैं बताऊँ कैसे करना पड़ेगा। वैसे आता तो मेरे को भी नहीं है, ट्राई करेंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं। और गाइस फाइनली इसी एपिसोड में मैंने सोच लिया कि इसी एपिसोड में तो अपन से जिम बैटल होगी नहीं, और मुझे लगा था कि अब फिर मैं तो अगले एपिसोड में अपन को जिम बैटल करनी होगी अपने पोकेमोन को लेवल अप करके। लेकिन नहीं, अपना जो टैपिक था उसने ही अकेले ने ही सबको हराया, लेकिन हाँ सारे पोकेमोन ने मदद की थी, बस वो थोड़ा सा टैपिक फेंट हो गया था ना, तो उसको रिवाइव करने में सारे पोकेमोनों ने मदद की। यानी अपन अकेले टैपिक को क्रेडिट नहीं देंगे, सारे पोकेमोनों क्रेडिट देंगे, सारे पोकेमोन सबसे बेस्ट पोकेमोन से मेरे। आप भी अपने पोकेमोनों को बेस्ट बना के रखिए, और मैं आपको एक चीज़ें भी बताऊंगा उसके अंदर, आप अपने पोकेमोनों किस तरह से इस गेम में ताकतवर बना सकते हो। तो ये सब मैं अगले एपिसोड में करेंगे। तो आज का एपिसोड बस यहीं, खुशी बहुत हो रही है, अपना सेकेंड जिम बैच मिल चुका है गाइस। तो आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।